नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद आज शाम 6 बजे भाजपा सांसद भारती पारधी किरनापुर पहुंची, जहां राजकुमार कर्राहे, विधायक लांजी, रमेश भटेरे, पूर्व विधायक लांजी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों एवं आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत सत्कार किया। उक्त कार्यक्रम में समस्त भाजपा के मंडल अध्यक्ष, बूथ कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के पदाधिकारियों समेत जनपद सदस्य, सरपंच एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद पारधी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोगों ने एक छोटे से पार्षद को सांसद बनाकर भेजा है, नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश के प्रधानमंत्री बनाया है, जनता ने जो भी जनादेश दिया है हमने उसे स्वीकारा है, निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी ने मिलकर विधानसभा लांजी किरनापुर में राजकुमार कर्राहे को जिताया है, हम निश्चित ही दोनों मिलकर लांजी किरनापुर के सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही किरनापुर को नगर परिषद बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं और परिसीमन के पहले हमें किरनापुर को नगर परिषद बनाना ही है और इसके लिए हमारी चर्चा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हो रही है। रही बात धान के 3100 रुपए की, तो अभी हमारे पास 5 साल हैं और हम इन 5 सालों में किसानों को नाराज नहीं करेंगे। पंचायती राज न्यूज किरनापुर से मदन मोहन पराशर की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने, जैसी भारतीय जनता पार्टी कहती है, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण इस जिले में महिला को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है कि एक छोटी सी कार्यकर्ता को सांसद से पार्षद से सांसद का सफर तय अगर किसी ने करने का मौका दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण आरक्षण तो अगले चुनाव तक आने वाला है, लेकिन एक महिला को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदित्य शिवराज सिंह जी की घोषणा है, उसको वर्तमान मुख्यमंत्री और हमारे विधायक और जिनके साथ मैं मिलकर पूरा करेंगे, उसकी बात हमारे विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को रख दी है, उसको बैठकर हम जरूर करेंगे क्योंकि अगले परिसीमन के पहले हमको यह नगर पंचायत बनाना है। भैया सही बात बोल रहे हो आप कि कुछ पहली किस्त आई है और उसके बाद की नहीं आई है, लेकिन ये चुनाव लगातार चुनाव आ गया, बीच में 6 महीने का पीरियड था, उसके बाद फिर से लोकसभा की अधिसूचना जारी हो गई थी, अब हम चुनाव से निवृत्त हो चुके हैं तो इस पर हमारी सरकार काम करेगी और धीरे धीरे करके राशि का आवंटन होगा। सरकार अभी खत्म नहीं, कार्यकाल उसका बाकी है, ये शुरुआत है, हमारी सरकार का वादा मोदी की गारंटी की सरकार है ये, जब हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है तो इसको हम जरूर पूरा करेंगे। मैंने और विधायक जी ने मिलकर, हमारे विधायकों ने, जो धान बाहुल क्षेत्र है, सारे विधायकों ने मिलकर इस बात को हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है, आगामी भी समय में हम उनसे समय लेकर इस बात को करना चाह रहे हैं और हम कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपने किसानों के वादे को टूटने नहीं देंगे, हमारी सरकार की गारंटी है, हम उन्हें पैसा